तो उसको जाना कितना है बेटा, 150 किलोमीटर। तो 150 में क्या कर रहे होंगे, 150 में 20 का भाग दे रहे होंगे, तो ये आ रहा होगा मेरा 7.5 घंटे, यानी 7.5 घंटे वो कवर कर पा रही होगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात एक और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे अब समझने वाली बात ये है, डिस्टेंस इसको पहले भी 150 चलनी थी, बाद में भी 150 चलनी थी, तो सीधा सीधा क्या करते हैं, 1/3 कम कर दिया, 1/3 कम कर दिया, यानी पहले उसको लगता उसकी चाल पहले थी 3, अब उसकी चाल कर दी गई 2, तो उसका जो टाइम का अनुपात हो जाएगा वो 2:3 हो जाएगा, और 2 बराबर हमें दिया गया था बेटा 5 घंटे, तो 3 बराबर हम निकाल लेंगे तो 7.5 आंसर आ रहा होगा। तो बिना 150 का हम यूज किए निकाल सकते हैं सिंपल वैसे ही, क्योंकि हमें वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दोनों ही कंडीशन में चलेगी, दूरी उसकी कैसी है, बराबर बराबर है, तो बराबर बराबर है तो 1/3, यानी 3 में से कम होकर बेटा हो जाएगा। तो अभी ये स्पीड का अनुपात 3:2 हो रहा, तो उसके टाइम का अनुपात 2:3 हो रहा होगा, 2 बराबर हमें दिया गया पहले से 5, 2 बराबर 5 के, तो 3 बराबर निकाल लेंगे तो कितना हो रहा होगा, 7.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है, अगला क्वेश्चन आया हुआ है, ए एक्स बी वाई और सी जेड एक त्रिभुज एबीसी की बाध्यिका है, एक त्रिभुज एबीसी, एबीसी की बाध्यिका है ए एक्स बी वाई और सी जेड, ये बाध्यिका है। हमसे कह रहा है कि जो एल बिंदु पर मिलते हैं, ये जो पॉइंट है जहां भी ये मिलते हैं उसको डाल रखा हूं एल, कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पूरे ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो चतुर्भुज बी एक्स एल जेड, बी एक्स एल जेड इसका एरिया पूछ रहा है। तो बेटा देखिए इसमें भाग कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर दिया गया है 30 के, 1 बराबर हो जाएगा 5 के, हमारे कितने भाग कवर हुए हैं, 2, यानी तो 2 बराबर किसके आ रहा होगा, 10 इसका आंसर हो रहा होगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा होगा, ये मेरे क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है शायद। अच्छा अगला क्वेश्चन कौन सा आया है, अगला क्वेश्चन ये आया है कि अनुपात 16:19 में से क्या घटाया जाए ताकि अनुपात 7:6 हो जाए, क्वेश्चन ये है कि 16:19 में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 7:6 हो जाए, रेशियो का क्वेश्चन है, 16:19 से क्या घटाया जाए कि, तो हम लोग क्या करते थे 16:19 उसके बाद में 7:6 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये बनेगा 96 और ये 19 × 7, तो ये मेरा हो रहा होगा कितना 133, और इनका जो अंतर आ रहा होगा वो कितना अंतर आ रहा होगा, (70, 63, 7 और 13) ये मेरा अंतर जो आ रहा होगा वो कितना 6, 4 यहां पे और 3 यहां पे, 33 यहां पे कितना हो रहा होगा 37, और यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा होगा 1, तो 1 में क्या गुणा कराएंगे 37 इस टाइप से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है, अगला आया हुआ एक समद द्विभाव समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद द्विभाव समकोण है, तो ये 45 डिग्री होगा, ये 45 होगा, ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे।
समद दीवार त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछ रहा है इसमें कि त्रिभुज का कर्ण कितना होगा। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, ये अगर ए होगी तो ये भी ए हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ए रूट टू। तो इसका मतलब 1/2 ए इंटू ए बराबर 121, तो हमारा हो रहा होगा ए स्क्वायर बाय टू बराबर 121। तो ए बराबर हम निकाल रहे होंगे तो ये मेरा आ रहा होगा 121 मतलब 11 और रूट टू, ठीक है, 11 अंडर रूट टू। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए रूट टू निकालना, तो इसे मान रख रहा हूँ 11 रूट टू इंटू रूट टू, तो हो रहा होगा 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया होगा। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर के दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर के साथ दो समान वृत्त हैं, इनकी त्रिज्या कितनी कितनी है? 4-4 सेंटीमीटर है, ठीक। इसकी भी 4 है और इसकी भी 4 है, और कह रहा है इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर है। और अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो समान है तो ये 17 है तो ये भी 17 हो जाएगी। तो इसमें क्या पूछने वाली बात थी? इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ दो समान वृत्त केंद्रों के बीच की दूरी 17 है, तो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई 17 हो जाएगी, सीधी सी है। त्रिज्या पूछता तो समझ में भी आता है, इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन क्या आया है कि अनिल 8 दिन में एक काम पूरा कर सकता है, अनिल एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और अमित उस काम को 14 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और पूरा काम करते हैं, उन्होंने उस काम के लिए 4400 रुपए लिए हैं, तो पूछ रहा अमित का हिस्सा बताओ। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले रहे होंगे, तो एलसीएम मेरा आ रहा होगा 14/8, ये मेरा एलसीएम आ रहा होगा 14/56, ये हो रहा होगा 8/56, ये 14/56, यानी कितना हो रहा होगा 11, ये इनकी आ रही होगी क्षमता, जो जितना काम करेगा उतना ही। तो 11 बराबर दिया गया 4400, 1 बराबर किसके 400 के, 7/28 और 4/16, इसको 2800 रुपए मिल रहे, इसको 1600 रुपए मिल रहे, ये क्वेश्चन आया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या आया है इनका, बस इतना ही है मेरे पास क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन मैं करवा दिए, ठीक है। चलिए पेपर तो आपका पोस्टपोन्ड हो गया है, और बाकी आप अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिएगा। अभी हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो भी देखो, रात में अगर बना तो फिर अपलोड हो जाएगा, ठीक है।